जनपद प्रतापगढ़ में बहने वाली 8 नदियों में एक नदी सकरनी का नाम आता है, जो विकास की अंधी दौड़ में लोगों की आकांक्षाओं से पिछड़कर विलुप्त प्राय हो गई थी। नदी के स्थान पर खेती और ऊंची ऊंची इमारतों के बनने के सपने पूरे होने लगे थे। इसी बीच जंगल, जल और जमीन की सिर्फ चिंता ही नहीं, बल्कि पूरी शिद्दत और जुनून के साथ काम करने वाले पर्यावरण सेना प्रमुख अजय क्रांतिकारी के मन में नदी के स्थान पर मैदान देखकर पीड़ा हुई और उन्होंने नदी खोजने का अभियान शुरू किया। खेतों और इमारतों के बीच गायब हो चुकी इस नदी को पुनर्जीवित करने के लिए अजय क्रांतिकारी ने स्थानीय ग्रामीणों और जिलाधिकारी संजीव रंजन से सहयोग प्राप्त किया। अक्टूबर 2023 में विकास भवन में जिला पर्यावरण और गंगा समिति की बैठक में सकरनी नदी के पुनरुद्धार की योजना को स्वीकृति मिली। जिला प्रशासन ने मनरेगा के तहत 1,45,00,000 रुपये की मंजूरी दी। इस पहल से नदी का पुनर्निर्माण संभव हुआ, जिससे 20 ग्राम पंचायतों के हजारों परिवारों को पेयजल और सिंचाई की सुविधाएं प्राप्त हुई। इस कोशिश ने न केवल नदी को नया जीवन दिया, बल्कि पर्यावरण और विकास के लक्ष्यों को भी साकार किया। इस मुद्दे पर हमारे संवाददाता गणेश राय ने पर्यावरण प्रमुख अजय क्रांतिकारी से खास बातचीत की। सकरनी नदी जो कि यहाँ पे गांव में विलुप्त हो चुकी थी, हमारे बीच अजय क्रांति जी मौजूद हैं। आइए उनसे बात करते हैं किस तरीके से इनकी मेहनत, किस तरीके से रंग लाई है जो यहाँ पे फिर से इस नदी को फिर से बना के दिया है। फिलहाल सबसे पहले आपका न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया में स्वागत है, क्या नाम है? तो धन्यवाद, मैं अजय क्रांतिकारी, पर्यावरण सेना प्रमुख। सकरनी नदी की बात हो रही है। सकरनी नदी हमारे जनपद में विलुप्त हो गई थी, हम नहीं कह रहे हैं, पूरा जिला जानता था, लेकिन हमारे मन में एक चिंता हुई कि आखिर नदी गई कहाँ। अगर नदी ख़त्म तो समझो जीवन ख़त्म। हमने नदी की खोज किया पर्यावरण सेना से, और नदी पर लोगों से जब चर्चा किया तो ये मन में आया कि आखिर कैसे नदी का पुनरुद्धार होगा। फिर इस बात को लेकर के, इस चिंता को 2 साल से हम ढोते रहे। फिर जिला अधिकारी महोदय जो हमारे संजीव रंजन जी हैं, मैंने उनसे बात किया, उन्होंने सहर्ष हमें संबल दिया और कहा कि इसको हम लोग मनरेगा के द्वारा इस नदी खुदाई करेंगे और समाज का सहयोग लिया जाएगा। फिर क्या था, फिर हमारे सपनों को पंख लगे और हम सब ने 27 किलोमीटर सकरनी नदी जो निवाड़ी से निकल करके सदर विकास खंड के पादुसिद्ध धाम में संग जाके सही में मिल जाती है, हम लोगों ने उस नदी का पुनरुद्धार किया और आज नदी पानीदार बन चुकी है, सबको पानी दे रही है और बह रही है। अब जिस तरीके से हरी क्रांति जी हमारे बीच बता रहे हैं, तो किस तरीके से लोगों को बारे में क्या कहना चाहिए, उनको कैसे खुशी की लहर मिल रही है? देखिए, ये सकरनी नदी हमें जीवन देती थी, हमारे कृषि के लिए, हमारे पीने के पानी के लिए, मतलब ग्राउंड वाटर के लिए वरदान थी। लेकिन जब नदी ख़त्म हो गई तो लोगों का जीवन संकट में पड़ गया और बरसात का पानी नदी के रास्ते न जा करके लोगों की फसलों को चौपट कर रहा था, फसलें डूब रही थी, लोगों में निराशा थी कि आखिर ये पानी यहाँ कहाँ से रहा था, बाढ़ जैसी स्थिति थी। लेकिन नदी के पुनरुद्धार होने से, नदी मूल रूप में आने से, आज जहाँ एक ओर हमारा ग्राउंड वाटर रिचार्ज हो रहा है भूजल, वहीं फसल हमारी बच रही है, सिंचाई का काम आ रहा है और धरती का पानी रिचार्ज होने के साथ साथ जो पानी बहता है वो सभी गाँव के, लगभग 20 गाँव, मानधाता के 12 गाँव पंचायत और लक्ष्मणपुर के 4 ग्राम पंचायतें, सदर की 4, कुल 20 ग्राम पंचायतों को पानी देते हुए ये नदी आगे बह रही है और सही नदी में जाकर के संगम करती है, मिल जाती है। जिस तरीके से अजय क्रांति ने अपने बात को रखा, उन्होंने लोगों के लिए बहुत ही अच्छा विचार किया। प्रतापगढ़ से गणेश राय, न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया।